भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी, जिनके आगे चांद भी अधूरा था, जिनके सामने कोहिनूर हीरा भी फीका था, जिनका नाम था रानी पद्मावती। हाँ, वही रानी पद्मावती जिनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। लेकिन इस खूबसूरती पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ी और खिलजी इस जन्नत से खूबसूरत रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। मगर वो कहा जाता है कि इतिहास अपने पन्ने बदल सकते हैं, लेकिन राजपूत अपने वसूल नहीं। रानी पद्मावती अपने मान सम्मान के लिए मर मिटने को भी तैयार थी। रानी पद्मावती अपने राज्य की बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए जौहर को अपना लिया। जलती दहकती हुई आग में राजपूतों की शौर्य और महानता का तिलक कर अपने 16,000 दासियों, बहन, गर्भवती, हजारों हिंदू महिलाओं समेत अग्नि कुंड में समा गई। खिलजी का रानी पद्मावती को पाने का सपना सपना ही रह गया। जब खिलजी वहाँ पहुँचा तो वह दहकती चिता की आग को देख कर उसका रोंग रोंग कांप उठा।